नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप के बारे में। फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप को इंडिको रेमेडीज द्वारा इंडिया में बनाया जाता है। ये 60 ml की पैकिंग में आता है और इसका प्राइस है 67 rupees। फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप को जनरली सर्दी में और उससे रिलेटेड सिम्टम के इलाज में प्रिस्क्राइब किया जाता है। मैं जब आपको बताऊंगा फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप के यूजेस के बारे में, डोजेस के बारे में, कंपोजिशन के बारे में और क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, हो सकते हैं फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप से, और क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए जब आपके बच्चे को फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप प्रिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले आपको बताता हूँ फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप के यूजेस के बारे में। फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप को कॉमन कोल्ड और उससे जुड़े हुए सिम्टम, मतलब जब बच्चे की नाक बहती है, सर्दी होती है, कंजेशन होता है और आंखें लाल होती हैं, छींकें आ रही होती है, उसको इरिटेशन होती है नाक में और गले में और नाक बंद होती है, ऐसी कंडीशन में जनरली डॉक्टर फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप को प्रिस्क्राइब किए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फैब्रिक्स प्लस एएफ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एएफ का मतलब होता है एफेब्राइल। जब आपके बच्चे को बुखार नहीं है और सर्दी है, सिर्फ सर्दी है और उससे रिलेटेड सिम्टम है, तब डॉक्टर फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। जनरली डॉक्टर फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप को 2.5 ml से लेकर 5 ml दिन में 2 या 3 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन फिर भी आपको हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही अपने बच्चे को फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप देना चाहिए। अभी आपको बताता हूँ फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप के कंपोजिशन के बारे में। फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप में क्लोफेनामिन मैलेट होता है 2 mg/5 ml और साथ में फिनाइलएफ्रिन होता है 2 mg/5 ml। क्लोफेनामिन मैलेट एक एंटी एलर्जिक है जो सर्दी में आराम दिलाता है और जो सर्दी से रिलेटेड सिम्टम होते हैं, नाक बहना, सर्दी होना, कंजेशन होना, आंखें लाल होना, छींकें आना, नाक बंद होना, इन सब में आराम दिलाता है। और फिनाइलएफ्रिन एक डिकंजेशेंट है जो कंजेशन में छुटकारा दिलाने में काफी आराम दिलाता है। और दोनों ड्रग मिलके फैब्रिक्स प्लस एएफ सिरप को एक सर्दी खांसी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन बनाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। वैसे तो ये सिरप काफी सेफ होता है, फिर भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जैसे नौशिया होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया हो जाना, कुछ एलर्जिक रैश हो जाना, डिजीनेस, काफी नींद आना या सर दर्द होना, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपके बच्चे के साथ हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए इस सिरप के यूज के दौरान। सबसे पहले आपको डॉक्टर ने जिस डोज में बच्चे को देने की सलाह दी है, आपको उसी डोज में, एग्जैक्ट उसी डोज में बच्चे को देना चाहिए और जितने बार लेने की सलाह दी है दिन में उतने बार ही देना चाहिए, ना कम या ज्यादा। आपके बच्चे को काफी नींद आ सकती है इस सिरप के लेने से, तो आपको काफी ध्यान रखना है अपने बच्चे का, और अगर कोई वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो आपको उस पर नजर रखनी है। आपको कोई और सिरप नहीं देना है सर्दी बुखार का जब आप इस सिरप को अपने बच्चे को पिला रहे हैं, क्योंकि क्या होगा, दो सिरप कंबाइन करने से मेडिसिन का ओवरडोज हो सकता है और इससे काफी सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको कोई भी दूसरा सर्दी खांसी का सिरप इस सिरप के साथ कंबाइन नहीं करना है। अगर आपके बच्चे को इस सिरप के यूज करने से कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अपने बच्चे को आपको इस सिरप के यूज के दौरान काफी सारा पानी पिलाना चाहिए, जिससे कि उसको कफ को पतलाने में आसानी होगी और उसको सर्दी के सिम्टम से काफी आराम मिलेगा। अगर आपका बच्चा गार्गल कर सकता है तो आपको नमक के पानी से गार्गल कराना चाहिए, या आप चरक फार्मा द्वारा बनाया गया कोफोल गार्गल से भी गार्गल करा सकते हैं। ये 100% सेफ, 100% आयुर्वेदिक और 100% इफेक्टिव गार्गल है, जो बच्चों के लिए भी 100% सेफ है, जो आप के बच्चे को सर्दी खांसी से आराम दिलाने में काफी मदद करेगा। आपके बच्चे को जितना हो सके उतना आराम करना चाहिए, क्योंकि वो जितना आराम करेगा उसको उतना ही सर्दी खांसी के सिम्टम से आराम जल्दी मिलेगा। या मैं आप एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको बच्चे को सिर्फ बुखार हुआ है या सिर्फ सर्दी हुई है, तो आपको अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही
दवाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पास में आपने मेडिसिन दी थी को, हो सकता है वो सर्दी और बुखार की दवा हो और इस वक्त आपके बच्चे को खाली बुखार हो रहा हो, तो आपको वो वाली मेडिसिन यूज नहीं करनी है जो सर्दी और बुखार में प्रिस्क्राइब की गई है। या आपके बच्चे को सिर्फ सर्दी हो रही है और बुखार नहीं हो रहा है, तो भी आपको वो मेडिसिन यूज नहीं करनी है जो डॉक्टर ने सर्दी और बुखार के लिए दी थी। इसके लिए आपको हमेशा अपने बच्चे को जब भी कुछ सर्दी बुखार की प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके बताए हुए तरीके से और उसकी प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही मेडिसिन देनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस सिरप के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मेसिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।